डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एसएसटी जीएस जो है एसएसटी क्लासेज मतलब श्योर सक्सेस एंड ट्रेंड क्लासेज में जीएस मतलब जनरल स्टडी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ लिखे हैं। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, हम आपको जनरल स्टडी के भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। तो आज हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं जो कि हर कंपटीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक ज्ञान होना जरूरी भी है, क्योंकि नॉलेज तो वह ज्ञान होता है, ज्ञान वह शक्ति होती है। जिसके पास ज्ञान होता है वही सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति होता है। तो चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखो क्या कर रहा है, भारत में हर साल अमेरिका से कितना गुना इंजीनियर बनते हैं, कितना गुना ज्यादा, कितना गुना इंजीनियर बनते हैं, ये भी सही है। तो थोड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि अमेरिका डेवलप कंट्री है, विकसित कंट्री है, सही है, लेकिन देखो क्या है कि भारत में हर साल अमेरिका से दो गुना, ठीक है ना, कितना, दो गुना ज्यादा इंजीनियर बनते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है अगर अमेरिका में मान लेते हैं एक साल में, मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं मैथमेटिकली समझने के लिए, अगर 1 लाख इंजीनियर बन रहे हैं तो भारत में हर साल 2 लाख इंजीनियर बनते हैं, मतलब अमेरिका का दुगुना इंजीनियर भारत में बनते हैं प्रत्येक वर्ष। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार की किस नौकरी में कोई आरक्षण नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार की बहुत से सारे पद हैं, जैसे चपरासी का, अनुचर का पद है, लिपिक का पद है, फिर उसके बाद में टीचर का पद है और ढेर सारे पद हैं, रेलवे में है आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में आरक्षण। तो लेकिन ऐसी कौन सी नौकरी है भारत सरकार में, भारत सरकार के अंदर जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई आरक्षण नहीं है? तो इसका आंसर होगा आर्मी, ठीक है ना। आर्मी में कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई आरक्षण नहीं। अगला नंबर है, वह कौन सा देश है विश्व में, वह कौन सा देश है, थोड़ा विश्व लिखना हम भूल गए, फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं, विश्व का वह कौन सा ऐसा देश है जो प्रथम प्रयास में मंगल पर अपना यान भेजा, ठीक है ना, पहले ही प्रयास में विफल नहीं हुआ, डायरेक्ट अपने यान को मंगल ग्रह पे भेज दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत या इंडिया, ठीक है ना, भारत या इंडिया वह ऐसा देश है या एक ऐसा देश है जिसने अपने प्रथम प्रयास में ही अपने मतलब यान को मंगल ग्रह पर भेजा। दूसरा है, विश्व में सबसे बड़ा सोने का आयातक देश कौन है? विश्व में सबसे बड़ा सोने का आयातक देश कौन है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो सोने का सबसे ज्यादा आयात करता है विश्व में? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत, जिसे हम इंडिया भी कहते हैं, ठीक है ना। भारत जो है विश्व का सोने का सबसे बड़ा आयातक देश है, मतलब तो सोने का सबसे ज्यादा आयात करता है। और लास्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, मतलब अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत विश्व में किस नंबर पे आता है, मतलब कैवें स्थान पर है, किस स्थान पर है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 5वें स्थान पर, ठीक है ना, कैवें स्थान पर, 5वें स्थान पर है अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत। तो डियर स्टूडेंट्स, एसएसटी जीएस का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो हमने आपके सामने रखा। प्रश्न आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। और एक बात जान लीजिए, पढ़ाई में एक बात जानो, जनरल स्टडी के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे ना, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो टीचर का हो, ठीक है ना, किसी भी वैकेंसी में ऑल ओवर, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि जनरल स्टडी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, अब बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आईबीपीएस बैंक की भर्ती हो, रेलवे की भर्ती हो, किसी भी, या एंट्रेंस एग्जाम हो, या यूपीएससी का एग्जाम, मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हर एग्जाम में जनरल स्टडी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी को देखते हुए हमने सोचा कि आपको कुछ जनरल स्टडी के भी क्वेश्चन को प्रोवाइड कराएं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो जरूर आप एक लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
आप अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।